हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें माघ पूर्णिमा के दिन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने से बहुत शुभ माना जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी गई है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस दिन मित्रों हमें बहुत दान पुण्य करना चाहिए विशेष रूप से, ताकि हमारे ऊपर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। अब मित्रों जानते हैं आगे कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। माघ पूर्णिमा का महत्व का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता रूप बदलकर पृथ्वी पर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं। वहीं प्रयागराज में 1 महीने का कल्पवास, संगम के तट पर कुछ विशेष काल के लिए निवास करना, उसे कल्पवास कहा जाता है। करने वाले श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन ही इसका समापन करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास करने वाले सभी श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन गंगा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद मित्रों साधु संतों और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराते हैं। यह भी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही लोगों को दुख दर्द और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन मित्रों कुछ विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन। उनकी बात की जाए तो माघी पूर्णिमा इस साल 4 दुर्लभ योग में मनाई जाएगी। इस दिन आयुष्मान, सौभाग्य, रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। एक ही दिन में इन चारों योगों का संयोग बनना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मित्रों इनमें माँ लक्ष्मी की पूजा और उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से मित्रों ये 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं माघी पूर्णिमा के दिन। आगे बात की जाए मित्रों माघ पूर्णिमा पर कुछ उपाय हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुनिए। माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। अगर मित्रों आप किसी नदी सरोवर में ना जा सके तो आप अपने घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदे जल में डाल के और आप उससे स्नान कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है।
पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन पूजा घर में घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। मित्रों, माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इस दिन पितरों का दान भी किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगला उपाय है मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद इस दिन गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को तिल, कम्बल, घी, फल आदि चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा का महत्व और माघ पूर्णिमा किस दिन है और इस दिन क्या चार शुभ योग बन रहे हैं और इसके उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।